उत्तरी भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा का रविवार को आधिकारिक तौर पर आगाज हो गया। यात्रा के आगाज से पहले मणिमहेश न्यास के सदस्य सचिव एवं कार्यवाहक एडीएम पीपी सिंह ने यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। रविवार शाम को 8:48 पर जन्माष्टमी पर्व का स्नान पवित्र डल झील में आरम्भ होगा और सोमवार शाम 7:30 तक यहाँ स्नान का दौर चलेगा। मणिमहेश यात्रा के शाही छोटे स्नान के लिए भक्तों की टोलियां भरमौर 84 मंदिर और भरमाणी माता मंदिर में हाजिरी भरने के बाद डल झील की ओर कूच कर रही हैं। शनिवार को भी दिन भर यहां भक्तों के आने का क्रम जारी रहा। यात्रा के सफल आयोजन के लिए प्रशासन की ओर से भी प्रबंध पूरे कर लिए हैं। 13 सेक्टर में 200 के करीब अधिकारी और कर्मचारियों को तैनात किया गया है। रेस्क्यू और सफाई टीमें भी यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर तैनात कर दी गई हैं। लोगों से आह्वान है कि बीमार लोग यात्रा पर ना जाएं, वहां का वातावरण बीमार लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही यात्री दिन के समय ही यात्रा पर निकलें, क्योंकि पहाड़ों से पत्थर गिरने का खतरा रहता है। मणिमहेश यात्रियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो बीमार लोग हैं वो हस्तों से ऊपर ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर जो वातावरण है वो बीमार लोगों के लिए ना सिद्ध हो सकता है। और हमेशा दिन में ही यात्रा करें, पहाड़ों से कभी भी पत्थर गिर सकते हैं, उनसे बचकर चलें और अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें और जगह जगह रुक कर ही। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए भरमौर से अजय शर्मा की रिपोर्ट।